कि ना रुके हैं कदम अभी और ना ही हिम्मत हारी है, इस बार सिलेक्शन लेना है हम सब ने ठानी है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एक क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब दो नंबर आपके पक्के यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। जिस जैसे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी यूपी जीके पूछी जाती है, यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछी जाती है। यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं आपकी यूपी जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं उसका इतिहास, भूगोल, आर्थिक बोले तो अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हवाई अड्डे एक तरफ लिखे हैं, एक तरफ मैंने नगर लिखे हैं जिसको हम शहर भी बोलते हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? सबसे पहले तो इसका एक और नाम है अमौसी हवाई अड्डा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का क्या नाम है? अगर वो आपसे पूछ लेगा अमौसी हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोल दोगे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? ये आपके लखनऊ में है। कैसे याद करोगे इसको? इसको ऐसे याद करना, देखो नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है ना, नवाब रहते हैं लखनऊ में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कहीं कहीं चौधरियों को नवाबों की उपाधि दी गई है, ठीक है। याद हो गया, नवाब बोले तो लखनऊ, नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ है, ठीक है। अब आपको देखना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये आपके वाराणसी में है, ठीक है। और इसको किस नाम से पुकारा जाता है? बावतपुरा हवाई अड्डा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपके दो दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन गया और एक आपका ऐसे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब वो आपसे पूछ लेगा बावतपुरा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जब आपने पढ़ाई नहीं है तो आप कहाँ से बता दोगे? जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आप उसको ऑफिशियली बता ही दोगे, ठीक है, समझ गए ना। कुशीनगर हवाई अड्डा भाई कुशीनगर में ही है, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको विविध में करा दिए हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? ये आपका जेवर में है। जेवर कहाँ है? आपके गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। ये निर्माणाधीन है, ठीक है। अब पांचवा है आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो आपको याद हमेशा रहेगा। अयोध्या, अयोध्या में कितना विवाद चला था बाबरी मस्जिद और हमारे मंदिर को लेकर, ठीक है। तो अब ऑफिशियली हम लोगों का मंदिर बन रहा है वहाँ पे, तो हमें तो बहुत खुशी है, ठीक है, अयोध्या को लेके। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज। कैसे याद करोगे कि प्रयागराज ने बहुत सारे क्या बनाए? बम बनाए। क्या बनाए? बम बनाए, ठीक है। बम से बमरौली, प्रयागराज ने बहुत सारे बम बनाए, ठीक है, याद हो गया। अब कानपुर का देख लीजिए, कानपुर में जो आपके नागरिकों की संख्या कैसी है, ज़्यादा मान लीजिए, कम मान लीजिए, ठीक है। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, कानपुर में बहुत सारे नागरिक हैं जो लोगों को चकमा दे देते हैं, ठीक है। कानपुर में बहुत सारे नागरिक हैं जो लोगों को चकमा दे देते हैं, चकेरी का चकमा याद कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हवाई अड्डा जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, खेरिया हवाई अड्डा, जहाँ मैं रहती हूँ, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है। तो इसे आप कभी नहीं भूलोगे, ये आपके आगरा में है। सरवाना, सरवाना सहारनपुर में रहती है, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, सवाना सहारनपुर में रहती है, ठीक है। सवाना कोई लड़की है, वो सहारनपुर में रहती है, ठीक है, याद हो गया, सरवाना, ठीक है। ट्रिक से याद रखोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है? गाजियाबाद में, इसकी आप ट्रिक बना लेना, ठीक है। और कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ है आपका? कानपुर में है। कानपुर में जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ट्रिक मैंने भी अभी हाल ही में ट्रिक बनाई है, तभी इसका नहीं बना पाई। अगर थोड़ी देर सोच के
आप लोगों के लिए ट्रिक बनाती तो शायद बना देती, ठीक है। ये कुछ हवाई अड्डे हैं जो कि मैंने आपके लिखा दिए हैं, और थोड़े बहुत जो छूट गए होंगे उन्हें मैं विविध में पूरी कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ये आपकी पूरी वीडियो है, और आज आपकी लाइव क्लास नहीं होगी, और आपकी कल भी लाइव क्लास नहीं होगी। 16 तारीख से आपकी लाइव क्लास डेली चलेगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।